शामली में आज भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने लोगों को अपने शिकंजे में कसा हुआ है। शामली के कांधला के गंगेरू गांव में कुछ ही दिनों में दर्जनों लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। गांव के लोग अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों पर अभी तक कोई असर नहीं। गंगेरू गांव में तकरीबन 10,000 की आबादी है। गांव वालों के मुताबिक कैंसर से अब तक दर्जनों मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में गांव में कैंसर से 2 मौत हो चुकी है, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक दो बार गांव में आई भी, लेकिन खाना पूर्ति करके चली गई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या गांव में कैंसर जैसी बीमारी को देखते हुए कैंप नहीं लगना चाहिए था? अगर ऐसा होता शायद मरने वालों की जान बचाई जा सकती थी। तो कैंसर से जूझ रहा है शामली का गंगेरू गांव। दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, पिछले 4 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग पर इसका कोई असर नहीं। कैंसर की बीमारी हुई थी उनका जी, कोई डॉक्टर नहीं आ पाया यहाँ पे। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हो पाया, तो उनकी डेथ हो गया 2 महीने पहले। ये कैंसर से हुई जी। अच्छा। हाँ जी, कैंसर कोई मेरे ख्याल के 9-10 महीने हो गए थे। अच्छा। इलाज तो तकरीबन 6 महीने से वहाँ तेग बहादुर में चल रहा था जी। अच्छा। दवाई इंजेक्शन लगा दें थे वो लोग और दवाई दे देते, बोतल चढ़ा देते, हम घर ले आवे मरीज को। गांव में जो 2 टीम बना के भेजी गई है, जिससे गांव के पानी की जांच हो सके और बाकी बाकी जो दवाई संबंधी काम है, कैंसर संबंधी जांच, तो उससे पता चलेगी कि कहां पे आदमी गया था उसकी रिपोर्ट के बाद में। लेकिन बाकी जो भी चीज़ें हैं गाँव में छिड़काव संबंधी है, दवाई वितरण संबंधी है, स्लाइड है, दवाई वितरण वगैरह कार्य है, उसके लिए 2 टीम बना के गाँव भेज दी गई है।